रियल मैड्रिड को कहा जाता है द ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ द सेंचुरी, और क्यों भी ना कहें यार, इवन ऐसा बार्सा फैन मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि रियल मैड्रिड इज द ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ द सेंचुरी। अरे बड़े बड़े क्लब्स जैसे हमारी खुद बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एसी मिलान, यूवेंटस और बहुत सारे क्लब्स यार वक्त के साथ कभी कभी बीच में फेल होते नजर आए। कुछ क्लब्स तो ऐसे फेल हुए हैं कि अभी तक रिवाइव ही हो रहे हैं, लेकिन रियल मैड्रिड ऐसी क्लब है जो आज तक एज सच फेल होते हुए मुझको नजर नहीं आई। कोविड जैसे बड़े महामारी में जब भाई बड़े बड़े क्लब्स ने वेज कट्स वगैरह कर दिए, उनके प्लेयर्स हाफ वेजेस में फुटबॉल खेलते हुए नजर आई, रियल मैड्रिड के पास ऐसा फाइनेंशियल पावर था कि बिटवीन ऑफ भाई साहब कोविड दे कंस्ट्रक्टेड अ न्यू स्टेडियम बिलियंस का, एंड उसके बाद भी ट्रांसफर बजट को कुछ नहीं हुआ रियल मैड्रिड का। तो भाई क्या रीजन है रियल मैड्रिड के इतने गजब के सक्सेस के पीछे? आज की वीडियो में मैं आपको 7 रीजन बताने वाला हूं, 7 रीजन रोनाल्डो के चलते भी और 7 रीजन हमारे थाला के चलते भी, क्योंकि आपको पता ना 7 equals to what। सो ये क्या 7 reasons है जिसके चलते रियल मैड्रिड इज नोन एज द रियल मैड्रिड टुडे, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। देखें, हम आपको डेली फुटबॉल अपडेट्स देते हैं, 7:30 बजे फुटबॉल की वीडियोस आपको देते हैं, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और मैं अभी फिलहाल एक ट्रिप में हूं जहां पे टावर वगैरह नहीं होगा, तो मुझको नहीं पता कि भाई 100K हुआ है कि नहीं हुआ है। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो अगर 100K नहीं हुआ है तो आप सब्सक्राइब करके करवा दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं जब गया था तो लगभग 800-900 सब्सक्राइबर बचे हुए थे। लेकिन अगर 100K हो गए तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 2024 में हमारा गोल है कि 200K तक पहुंच जाए। आप मतलब आपका आपकी साथ होगा तो क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो रियल मैड्रिड जैसे सक्सेस क्लब है, हमको भी सक्सेस का सीढ़ी चढ़ा दो, सब्सक्राइब बटन दबा के जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। खैर, वीडियो को चालू करते हैं और सबसे पहला रीजन बात करते हैं अपन, पापा पेरिस मास्टर क्लास। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं ना, तो रियल मैड्रिड यार देखो हिस्टोरिकली बहुत नामी गामी क्लब थी भाई। ये सबसे पहले से यूरोपियन चैंपियनशिप जीतते हुए आए थे, जो UCL थी पहले की, ठीक है। लेकिन बीच में थोड़ी सी स्ट्रगल होते हुए नजर आए, लेकिन फिर 2000 में फ्लोरेंटिनो पेरिस बनते हैं प्रेसिडेंट रियल मैड्रिड के। अब ना जब भी एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है किसी क्लब का, तो 2 तरीके के प्रेसिडेंट होते हैं। एक प्रेसिडेंट ऐसा होता है जो बोलता है कि भाई मैं इस क्लब को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रन करूंगा, मैं फाइनेंसिस ठीक करूंगा, मैं खुद का पैसा कमाऊंगा, खुद का जेब भरूंगा, क्लब जाए भाड़ में यार, मैं यहां बिजनेस रन करने आऊं। लेकिन एक प्रेसिडेंट होता है जो फैन होता है क्लब का, जो बोलता है कि द क्लब इज ऑलवेज अहेड ऑफ एनीथिंग, वो चाहे पैसा है, वो चाहे प्लेयर्स है, वो चाहे मेरी खुद की इमेज है या मेरे प्लेयर्स की इमेज है, पहला क्लब, उसके बाद दूसरी कोई चीज़। और जब एक फैन प्रेसिडेंट बनता है तो फिर वो क्लब को एक अलग तरीके से रूल करता है, एक अलग तरीके से जो है वो रन करता है। एंड फ्लोरेंटिनो पेरिस जैसा क्लब का फैन मैंने आज तक नहीं देखा। और जब फ्लोरेंटिनो पेरिस टाइप का फैन बन जाता है प्रेसिडेंट, तो जो रियल मैड्रिड का हुआ वैसे ही हुआ। तो दोस्तों 2000 में रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बने पापा पेरिस, एंड पापा पेरिस आते साथ ये कहे कि ये बेस्ट क्लब है, और व्हाट बेस्ट क्लब डिजर्व्स इज द बेस्ट प्लेयर्स ऑन प्लैनेट अर्थ, फाइनेंसेस हमारे स्ट्रांग है, मैं मीडियोकर टीम लेके नहीं चलूंगा, ये बेस्ट क्लब है तो यहाँ पे बेस्ट ही प्लेयर आएंगे। एंड ही असेंबल्ड अ टीम ऑफ एवेंजर्स, जिसको गैलेक्टिकोस कहते थे, ही असेंबल्ड द बेस्ट प्लेयर्स ऑन प्लैनेट अर्थ। रोनाल्डो नजीरियो रियल मैड्रिड में, फीगो बार्सिलोना से खींच के लेके आया रियल मैड्रिड में, भाई जिनेडिन जिडान रियल मैड्रिड में, डेविड बेकम जो आइकन थे फुटबॉल के उस समय, कहाँ थे, रियल मैड्रिड में। तो इन्होंने ये बड़े बड़े प्लेयर्स का, बेस्टम बेस्ट प्लेयर्स का एक टीम बनाया अपने ही टीम में, और बोला ये बेस्ट क्लब है तो यहाँ पे बेस्ट प्लेयर्स ही खेलते हुए नजर आएंगे। आप इमेजिन कर सकते हो, हु वॉज द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दैट टाइम, रोनाल्डो हमारा स्ट्राइकर है, हु वॉज द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ दैट टाइम, डेविड बेकम एंड जिनेडिन जिडान हमारे जो है वो है, कौन सबसे बेस्ट विंगर उस समय का, फीगो हमारे पास है। तो भाई अब बोलना तो मेरा क्लब बेस्ट है, मैं बेस्ट प्लेयर्स ही लेकर के आऊंगा। लेकिन ये बेस्ट प्लेयर्स साइन करने के बाद, ये एवेंजर्स साइन करने के बाद, बहुत ज्यादा रिस्क था इस मूव में, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पैसा लगाया बेस्ट प्लेयर्स के लिए, ऑब्वियसली बेस्ट मनी यू विल बी पेइंग, तो आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफर मनी स्पेंड किया और आपने ये जो है वो मार्वल्स की टीम इकट्ठा कर ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गैलेक्टिकोस की टीम फील्ड में उतनी अच्छी चली नहीं, एंड सिंस वो फील्ड में चली नहीं, फिर जो है वो पापा पेरिस को मिला क्रिटिसिज्म कि भाई आपने इतने ट्रांसफर बजट स्पेंड करो और आपकी टीम फील्ड में चली नहीं, हमको सक्सेस नहीं मिला। लेकिन आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, इवन दो रियल मैड्रिड पर्टिकुलरली फेल्ड ऑन द पिच,
बट उनका जो ब्रांड वैल्यू था इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। अब आप बोलो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जी भाई, कि भाई टीम तो चल नहीं रही है पिच में लेकिन ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रियल जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का एग्जांपल ले लेते हैं ना, टीम नहीं चल रही है, ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ ना, बार्सिलोना नहीं चल रही है टीम, ब्रांड वैल्यू डिक्रीज हुआ ना, लेकिन रियल मैड्रिड के साथ ऐसा कैसे हुआ है कि जी भाई? तो मैं आपको बताता हूँ, देयर वॉज अ रीजन, देयर वॉज अ मास्टर क्लास बिहाइंड दीज ऑल साइनिंग्स। गैलेक्टिकोस को क्या पापा पेरिस बेवकूफ आदमी है कि गैलेक्टिकोस को साइन करके रखेगा? उसके पीछे रीजन था, और वो रीजन था एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हर पोजीशन का बेस्ट प्लेयर मेरी टीम में, तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया की नजर वॉज ऑन रियल मैड्रिड कि यार दिस इज द क्लब, यार दिस इज द बेस्ट क्लब, देयर माइट बी सम रीजन कि डेविड बेकहम रियल मैड्रिड गया है। क्यों गया? बिकॉज इट इज द बेस्ट क्लब, द बेस्ट प्लेयर गोज टू द बेस्ट क्लब, तो रियल मैड्रिड इज द बेस्ट क्लब। मोर ओवर व्हाट ही डिड वॉज कि उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स करे इस गैलेक्टिकोस की टीम के साथ, एंड साइनिंग डेविड बेकहम वॉज अ ब्रिलियंट मूव फ्रॉम रियल मैड्रिड, बिकॉज उस समय डेविड बेकहम वॉज द आइकन ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, वर्ल्ड मैन का आइकन अगर कोई था ना तो वो डेविड बेकहम था। हर सलून के बाहर 2005-2006 में डेविड बेकहम की तस्वीर जरूर बनी होगी, हर एक आदमी डेविड बेकहम टाइप हेयर स्टाइल बना के चलेगा, तो आइडल अगर कोई बंदा था दुनिया में उस समय तो वो डेविड बेकहम था और आज भी है। तो उस जैसे आइकन को आपने अपने क्लब में साइन करके रखा है और उस जैसे आइकन के साथ आप पूरे दुनिया में घूमे। देयर वर सेवरल टूर्स जो रियल मैड्रिड ने ऑर्गेनाइज करी थी, नॉर्थ अमेरिकन टूर हुआ था, चाइना का टूर हुआ था और एशिया का टूर हुआ था, और ये सब टूर्स होने के चलते उनका जो है वो ब्रांड वैल्यू एक ग्लोबल मार्केट में फैला, और सिंस उनको एक्सपोजर मिली ग्लोबल मार्केट की, देयर वेर मैनी स्पॉन्सर्स हु वर रेडी टू बाई स्पॉन्सर रियल मैड्रिड, एंड वो जो नए नए स्पॉन्सर्स आए, जो नया पैसा आया रियल मैड्रिड के पास, वो इवन जब फील्ड में अच्छी रियल मैड्रिड नहीं कर रही थी तो भी उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ाते गया और सब फैंस बनते गए रियल मैड्रिड के। तो नंबर वन, पापा पेरिस मास्टर क्लास, एंड सेकेंड, रिस्क एंड एडवांटेजेस जो मैंने आपको समझे, एंड तीसरा द ग्लोबल ब्रांड एक्सपोजर जो रियल मैड्रिड को मिला बाय डूइंग ऑल ऑफ दीस टूर्स विद द बेस्ट प्लेयर। ये करने के बाद पापा पेरिस प्रेसिडेंट से हट गए थे। उसके बाद दो लोग आए नए प्रेसिडेंट जो 2006 से 2009 तक रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बन के रखे हुए। उसके बीच में भी फिर रियल मैड्रिड थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए नजर आई, लेकिन जैसे ही वापस पापा पेरिस फिर से क्लब के प्रेसिडेंट बनते हैं 2009 में, ही रिपीटेड द सेम एग्जैक्ट थिंग। और इससे ये जो मैंने आपको पॉइंट्स अभी समझाए वो फिर से क्लियर हो जाता है कि पापा पेरिस का मेंटेलिटी यही था। ही वंस अगेन वेंट एंड साइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर 100 million रिकॉर्ड ट्रांसफर फी एट दैट टाइम, और ऑब्वियसली रोनाल्डो वॉज द मोस्ट फॉलोड प्लेयर एट दैट टाइम एज वेल, बैलेंडोर विनर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, गोल्डन शू विनर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, प्लेयर ऑफ द ईयर विनर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड का विनर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वॉन द UCL विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वॉन द प्रीमियर लीग एज वेल विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ही साइंड द बेस्ट प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड जो रियल मैड्रिड में आता है, एंड इस बेस्ट प्लेयर को साइन करने के बाद आपने फिर से एक बार वही बात कहती कि मैं बेस्ट क्लब में बेस्ट प्लेयर लेकर के आऊँगा, और आपने एक बात ये भी कहती कि ये जो है वो आइकन है इस समय का फुटबॉल का। उस समय तो बेकहम था लेकिन इस समय आइकन कौन है? रोनाल्डो है। और उन्होंने फिर से एक आइकन को ला करके और नए फैंस इकट्ठा करे और नए स्पॉन्सर्स इकट्ठा करे। तो ये था पापा पेरिस का मास्टर प्लान जिसके चलते उनको मिला ग्लोबल ब्रांड एक्सपोजर। अगर मैं चौथे पॉइंट के बारे में बात करूं तो रियल मैड्रिड की ना स्काउटिंग एंड प्लेयर सेलेक्शन बेहतरीन है यार। मतलब इवन बिफोर द टाइम, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं मिडफील्ड की, रियल मैड्रिड की फील्ड में देयर आर ऑलरेडी स्टार्स, ठीक है, राहुल था, काका था, उसके बाद फिर आपका सेमी खदीरा था, ओजिल था, है ना, तो इनके पास ऑलरेडी अच्छे मिडफील्डर्स थे। एंड जब भी अच्छे प्लेयर्स के आपके टीम का ट्रांजिशन होने वाला रहता है तो आपको खोज के लाना पड़ता है उन प्लेयर्स को रिप्लेस करने के लिए बेस्ट प्लेयर्स, एंड अक्सर टीम्स फेल कर जाती हैं इस चीज़ में। जैसे बार्सिलोना, शावी इनिएस्टा, बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट अभी तक इनके पास नहीं था, वो तो पेद्री गावी निकल करके आ गए लेकिन बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट अभी भी इनको नहीं मिला है, एंड वो कितना गंदा स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे हो। अब इन अ सिमिलर वे दे हैड टू फाइंड देयर रिप्लेसमेंट फॉर ओजिल, खदीरा, राहुल, शाबी अलोंसो, सो इन सब प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट इनको चाहिए था मिडफील्ड में। अब इनकी स्काउटिंग इतनी चालाक थी, दे वेंट एंड साइंड बायन से टोनी क्रूज, जो उस समय ठीक ठाक अच्छे प्लेयर थे लेकिन बहुत लोग उनको एकदम हाई रेट नहीं करते थे। देन दे भाई साइंड लुका मॉड्रिज, जो उस समय
सबसे गंदा ट्रांसफर बोला जा रहा था रियल मैड्रिड का, कि भाई ये कौन से बंदे को आप स्पर्स से खरीद के लेकर के आ रहे हो। लेकिन वो रियल मैड्रिड की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है, वो कभी फेल नहीं हो सकती है। दे साइन लुका मॉड्रिच, सेन दे ऑल्सो भाई साहब बेट ऑन कैसेमीरो। कैसेमीरो को इन लोग कोई एक ब्राजीलियन क्लब साओ पोलो से शायद खरीद करके लेके आए थे, अपने जो है वो भाई ट्रेनिंग सिस्टम में रखे, रियल मैड्रिड बी वगैरह में खिलाए, फिर इसको लोन में भेज दिया था पोर्टो। पोर्टो में ही प्लेड फॉर वन सीजन, एकदम ठीक ठाक ही खेला, बहुत अच्छा नहीं खेला था, लेकिन वो जैसे ही वापस लौट करके आया उसको डायरेक्ट टीम में डाल दिया गया एंड ही बिकेम द बेस्ट प्लेयर। सो ये ट्रांजिशन जो इन्होंने करा ना अपने मिडफील्ड का, वो काफ़ी बेहतरीन था। मोर ओवर ये ट्रांजिशन अभी मॉडर्न टाइम में भी आप फॉलो करते हुए देखे होंगे, हाउ दे आर ट्रांजिशनिंग बिटवीन लुका मॉड्रिच, टोनी क्रूज एंड कैसेमीरो विथ जूड बेलिंगम, कामाविंगा एंड चुआमिनी। ये देख रहे हो कितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। ऑलरेडी उन्होंने जेम्स फाइंड करके रखे थे मार्केट में, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करे लेकर के आ गए, और साथ में ट्रांजिशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि इन लोग चले गए तो फिर बीच में ऐसा एक पॉइंट आया जहां पे नॉर्मल इंडेंसी हो गई, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, दो सीजन मॉड्रिच नहीं है, क्रूज नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, पूरा टीम उथल पुथल हो गया, फिर ले दे के हड़बड़ी में पैनिक साइनिंग हुई है। ना 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 ना, लुका मॉड्रिच टोनी क्रूज के होते साथ जूड बेलिंगम भी आएगा, ताकि लुका मॉड्रिच से सीखे जूड बेलिंगम, टोनी क्रूज के होते साथ वलवर्डे आएगा, और भाई आपका चुआमिनी आएगा, कामाविंगा आएगा, जाके टोनी क्रूज सिखाए चुआमिनी कामाविंगा को। तो ये होता है ट्रांजिशन, ये होता है स्काउटिंग, जिसमें रियल मैड्रिड बेताज बादशाह है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, अपन बात करेंगे पापा पेरेस के फ्यूचर विजन एंड मैनेजरियल सिलेक्शंस के बारे में। हमने बात करी प्लेयर्स के सिलेक्शन के बारे में, देवर दी बेस्ट, बट जब बात करते हैं ना पापा पेरेस के विजन के बारे में तो भी बेहतरीन है। प्लेयर्स के मामले में तो ही वॉज ऑलवेज वेरी क्लियर कि मेरे को बेस्ट प्लेयर चाहिए मेरे क्लब में, लेकिन मैनेजर्स के मामले में भी ही वॉज वेरी क्लियर, मेरे को बेस्ट मैनेजर ही चाहिए मेरे क्लब में। शुरुआत में ठीक है इधर उधर प्रॉब्लम हुई, बाद में वो समझा कि मैनेजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ही बॉट कार्लो एंचेलोटी इन हिज टीम, कार्लो एंचेलोटी आकर के भाई अनप्रेसिडेंटेड भाई सक्सेस उसको दिलाते हैं। देन आफ्टर कार्लो एंचेलोटी वो अपनी ही टीम के भाई साहब बेस्ट प्लेयर को कार्लो एंचेलोटी के अंडर प्लेस करे और बोले एंचेलोटी सर आप इसको ट्रेन करिए, और वो प्लेयर जो ट्रेन हो रहा था कार्लो एंचेलोटी के अंदर वो था जिनेडिन जिडान, जो इवेंचुअली अपॉइंट हो जाता है रियल मैड्रिड का मैनेजर, जो रियल मैड्रिड को 3 कंसेक्यूटिव यूसीएल जिताता है। सो दिस वॉज द फ्यूचर विजन ऑफ भाई पापा पेरेस। मोर ओवर मैनेजीरियल सिलेक्शंस के साथ ही साथ जो उसके मैनेजर्स थे वो बहुत बेहतरीन साइनिंग्स लेकर के आए। आप समझना इस बात को, उन्होंने ऑलरेडी फ्यूचर देख करके रखा था। वो अपनी टीम जब भी बनाते हुए जाते थे वो फ्यूचर प्रूफ करते हुए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल रोनाल्डो फ्यूचर प्रूफ, 5-6-7 साल आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। करीम बेंजेमा यंग बंदा आया था लेकिन तुम देखो कितना लंबा सर्व करके गया है ना। लुका मॉड्रिच टोनी क्रूज जैसा कि मैंने कहा लंबा सर्व करके जाने वाले प्लेयर्स, सर्गियो रामोस लेकर के आए सेविया से लंबा सर्व करके जाएगा, कैसीला तो इनका खुद का प्लेयर था लेकिन लंबा सर्व करा ना, और उसके बाद उसका ट्रांजिशन हुआ केलर नावस पे जो फिर लंबा सर्व किया कंसेक्यूटिव आपको यूसीएल जिताया। तो ये जो साइनिंग्स भी हुई वो भी फ्यूचर को देख करके हुई है, और अभी मॉडर्न टाइम में भी जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कामाविंगा हो गया, चुआमिनी हो गया, बेलिंगम हो गया, वलवर्डे हो गया, विनिशियस हो गया, इवन मिलिटाओ डिफेंडर उनका भी काफ़ी ज़्यादा यंग है। तो ये फ्यूचर को देख करके साइनिंग्स की गई है कि एक बार में ऐसी साइनिंग करते हैं बाबू जो आने वाले 6-7 साल प्योर प्रूफ करके चले भाई। और ये ज़्यादातर क्लब्स नहीं करते हैं, शॉर्ट टर्म साइनिंग्स करेंगे शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए, लेकिन रियल मैड्रिड अलग ही खेल की खिलाड़ी है। नंबर 6, पापा पेरेस का भाई ये गूदा कि वो बड़े डिसीजंस आराम से ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया पापा पेरेस वॉज अ फैन ऑफ रियल मैड्रिड, वो क्लब के फैन थे, तो उनके लिए क्लब वॉज ऑलवेज पहले देन द प्लेयर्स एंड एवरीबडी एल्स। मीडिया वाले कितना चीखेंगे कि भाई आपने कैसीलास के साथ गलत किया, मैंने किया मेरा क्लब, मैंने क्लब के लिए गलत किया, ठीक है केलर नावस ना के दिया ना, 3 यूसीएल उठाया ना, चुप खत्म बहाने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर को रास्ता दिखा दिया, 100 मिलियन में बेचा यूवेंटस को, लाया भी 100 में था, इतने साल उसने चलवाया भी और इतने क्लब को मेडल्स ट्रॉफी सब जितवाए भी और बेच भी दिया इतने साल के बाद 100 में ही, और 2 पल नहीं सोचा रोनाल्डो जैसे प्लेयर को बेचने से पहले। क्यों? क्योंकि क्लब पहले, रोनाल्डो बाद में। बाद में लाया ना विनिशियस, खेल रहा है ना अच्छा, टेंशन किस बात की। सर्गियो रामोस द क्लब कैप्टन, कोई नहीं सोचा था कि क्लब कैप्टन को इस तरीके से हटा दिया जाएगा क्लब से। ठीक है उम्र हुई हटा देंगे, सोचेंगे भी नहीं एक बार भी, आप जाइए पीएसजी को सर्व करिए, हम यंग प्लेयर्स लेकर के आएंगे, लेके आया ना मीटर मिलिटाओ, चुप रहो। वरान द बेस्ट डिफेंडर ऑन प्लेनेट अर्थ अलॉन्ग साइड सर्गियो रामोस, पैसे में बेचूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, मैं सेट कर दूंगा अपने डिफेंडर्स को, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, खरीद ले आऊंगा 2 डिफेंडर ले आऊंगा वरान को बेच के,
रूड्रिगर और डेविड एल्बा। अब बोलो क्या बोलोगे, कैसे मीरो पैसे में बेचूंगा और दो मिडफील्डर खरीद के ले आऊंगा, कामाविंगा और चुआमिनी, क्या बोलोगे बोलो। ये होता है गुदा, बड़े प्लेयर्स को निकाल करके इन्वेस्ट कर देना क्लब्स में ही। और ये बड़े डिसीजन लेने से पापा पेरेस नहीं घबराता है भाई, और यही बात है पापा पेरेस की, जिसके चलते रियल मैड्रिड जो है वो आज रियल मैड्रिड है। और आखिरी रीजन नंबर 7, वो खुद पापा पेरेस है, और पापा पेरेस का एक स्टेबल प्रेसिडेंशियलशिप। देखें दोस्तों, एक स्टेबल गवर्नमेंट होना किसी भी देश में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर देश को सर्व करने वाला प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर तरीके से सर्व कर रहा है, बिना किसी अपने फायदे को देखते हुए देश को पहले रखता है और देश को सर्व करता है, तो ऐसी गवर्नमेंट जितनी लंबी टिक करके चलेगी देश में, उतना ज़्यादा देश का जो है वो प्रोग्रेस होगा। एंड सिमिलर यही कहानी क्लब्स के ऊपर भी जो है वो लागू होती है। पापा पेरेस सन 2000 से 2006 तक प्रेसिडेंट थे, उसके बाद 2009 के बाद अभी तक पापा पेरेस ही प्रेसिडेंट है। एंड पापा पेरेस जैसा प्रेसिडेंट मैंने दुनिया में नहीं देखा दोस्तों। मैं फुटबॉल देख रहा हूँ 8-9 साल से, लेकिन पापा पेरेस जैसा प्रेसिडेंट मैंने कभी नहीं देखा, जो हमेशा क्लब को पहले रखता है और दूसरे इंटरेस्ट को बाद में। और जब एक स्टेबल प्रेसिडेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है लंबे समय तक, और वो प्रेसिडेंट ऑनेस्ट है, क्लब को पहले रखता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले रखता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसीलिए द आखिरी रीजन फॉर रियल मैड्रिड की सक्सेस, एंड द ओनली रीजन आई माइट से, इज पापा पेरेस की एक स्टेबल प्रेसिडेंशियलशिप। एनीवेज दोस्तों, यही थे मेरे हिसाब से रीजंस जिसके चलते रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द रियल मैड्रिड फैंस एंड रियल मैड्रिड हेटर्स एज वेल, जिनको पता चल जाए कि रियल मैड्रिड आज रियल मैड्रिड क्यों है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जिससे चेतन टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। के साथ फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।